और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा पावर पॉइंट में टॉपिक है वो है होम टैब में लेआउट, रीसेट, डिलीट, फॉन्ट साइज, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट स्टाइल, चेंज केस, फॉन्ट कलर। अब देखो लेआउट, लेआउट का यूज किस लिए किया जाता है? लेआउट का यूज किया जाता है अलग अलग डिजाइन के लेआउट इंसर्ट करने के लिए। अब देखो हमें टाइटल स्लाइड चाहिए तो यहां से हम क्या करेंगे, टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। टाइटल डाल दिया हमने, यहाँ पे हमने टाइटल में वैल्यू डाल दी, गुड। और सब टाइटल डाल दिया हमने भिवानी। इसके बाद अब जो हमें सेकंड स्लाइड लेनी है उसका टाइटल कैसा लेना है, सॉरी उसका डिजाइन लेआउट कैसा चाहिए। अब यहाँ पे हमने स्लाइड तो इंसर्ट कर दी, देखो यहां से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, कौन सा किस तरह के लेआउट की स्लाइड हमें इंसर्ट करनी है, डिजाइन की इंसर्ट करनी है, टू कंटेंट में चाहिए। अब ये देखो हमने यहाँ पे तो टू कंटेंट लिए थे कंपैरिजन, यहाँ पे हमने किसकी सिलेक्ट कर दी, कंपैरिजन की सिलेक्ट की, तो यहाँ पे क्या है कंपैरिजन वाली स्लाइड ओपन हो जाएगी। किसके कंपैरिजन करना है हमने डाल दिया, यहाँ पे मेन हेडिंग डाल दिया कंप्यूटर, क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर का है, किसके, कंप्यूटर और कैलकुलेटर। अब इनके बारे में हमें जो वैल्यू डालनी है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, कैसे, हमने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर से क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, कंप्यूटर के क्या क्या लाभ है और कैलकुलेटर के क्या क्या लाभ है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड बना सकते हैं। इसके जगह पे हमें कोई भी पिक्चर लेनी है, अब जैसे कंप्यूटर की पिक्चर लेनी है तो यहाँ से हम किस पे क्लिक करेंगे, क्लिप आर्ट पर, यहाँ पे हमने डाल दिया कंप्यूटर, किसकी पिक्चर चाहिए, कंप्यूटर की चाहिए, कंप्यूटर की पिक्चर को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद अब हमें चाहिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की हमें पिक चाहिए, तो क्या है कैलकुलेटर की पिक आ जाएगी। इस तरीके से तो ये क्या होता है, अलग अलग डिजाइन के लेआउट हम क्या है यहां से ले सकते हैं। अब टाइटल ओनली कौन सा चाहिए, जो नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट करेंगे उस पे हमें क्या, कौन सा डिजाइन लेआउट चाहिए, टाइटल ओनली की इसमें क्या दिखाए, सिर्फ फाइल का टाइटल ही दिखाए। टाइटल डाल दिया हमने, रेड क्या है वही शो हो जाएगा। तो ये होता है लेआउट। इसके बाद रीसेट, रीसेट क्या करेगा, नॉर्मल स्लाइड को शो करेगा। रीसेट से क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्लाइड जो है वो हमारे शो हो जाएंगे। डिलीट, डिलीट से हम क्या कर सकते हैं, जिस स्लाइड को हमने सिलेक्ट किया है उसको हम क्या है एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है फॉन्ट, फॉन्ट में देखो क्या कर सकते हैं, मैटर को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट फेस का, यहां से हम क्या कर सकते हैं फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट फेस आप लेना चाहते हो, यहीं से हम क्या है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे ही हम फॉन्ट फेस पर कर्सर लेके आएंगे वही फॉन्ट फेस क्या है यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हिंदी वाला करना है तो यहाँ से हमने किसको सिलेक्ट किया, हिंदी को सिलेक्ट कर दिया। अब हमें हिंदी में टाइप करना है कंप्यूटर, यहां से हम किसको सिलेक्ट करेंगे, हिंदी के फॉन्ट को,
हिंदी के जो फॉन्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कृतिदेव होता है, चाणक्य होता है, मंगलम का होता है। टाइटल डाल दिया हमने यहाँ पे। ये डाल दिया हमने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब ये फॉन्ट फेस तो ये हो गया हमारा। यहां से तो हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फेस को चेंज कर सकते हैं कि फॉन्ट फेस कौन सा लेना चाहते हो। उसके बाद फॉन्ट साइज कितना लेना चाहते हैं, यहीं से हम क्या है, फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, अक्षरों का साइज। इसके बाद इंक्रीज से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। और डिक्रीज से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं। ये जो पावर पॉइंट होता है, एमएस पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है 4000। कितना होता है? 4000 का होता है। और मिनिमम 10। इसके बाद ये देखो अगला ऑप्शन है यहाँ पे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की। जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है, देखो हमने यहाँ से कलर भी डाल दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, इटालिक भी कर दिया, ये सब हमने क्या किए, इस पर कंडीशन लगा दी। इन सभी कंडीशन को हटाने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग की। जो भी हमने फॉर्मेट लगाया है वो सब फॉर्मेट क्या है, यहाँ से क्लियर हो जाए। अब हमने मैटर को सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं वो मैटर हमारा बोल्ड हो जाए तो हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक करना चाहते हो इटालिक कर सकते हो, अंडरलाइन लेना चाहते हो अंडरलाइन ले सकते हो। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, सिंगल लाइन। जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, मैटर सिलेक्ट किया है, उस पर क्या है, सिंगल लाइन इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट शैडो, जो वर्ड है हमारा उसमें क्या है, शैडो आ जाए। देखो शैडो आ जाएगी, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करो इसका। अब यहां से देखो शैडो। उसके बाद है कैरेक्टर स्पेसिंग में क्या करना है, वेरी टाइट, कि जो हमारा ये वर्ड है वो टाइट हो जाए। फिर नॉर्मल टाइट, उसके बाद नॉर्मल, लॉस, वेरी लॉस। मोर स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा, नॉर्मल लेना चाहते हो तो क्या है, नॉर्मल आ जाएगा। एक्सपेंडेड, देखो जैसे हम यहां से इसको बढ़ाएंगे, हमने कर दिया 3.5 तो क्या है, टाइट हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको कम करेंगे तो क्या है, यहां से हमने 3.5 की जगह पे कर दिया माइनस, इसमें जीरो से क्या होगा, वापस नॉर्मल। इसके बाद अगला ऑप्शन है चेंज केस। 5 प्रकार के होते हैं, आपने ये एमएस वर्ड में भी किया था और आज फिर मैं आपको बता रही हूं दोबारा से। चेंज केस क्या होता है, सेलेक्ट मैटर की फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए और उसके केस को चेंज करने के लिए। चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या करता है, सेंटेंस केस का यूज किया जाता है सेलेक्ट मैटर में सभी सेंटेंस के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में शो करने के लिए। किस लिए किया जाता है, सेलेक्ट मैटर में सभी सेंटेंस के फर्स्ट कैरेक्टर को। अब देखो हमने लाइन स्टार्ट की है तो लाइन का जो पहला कैरेक्टर है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, सिर्फ वो क्या है, कैपिटल में आ जाएगा और बाकी सभी क्या है, स्मॉल में आएंगे। देखो हमने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है, ये हमने यहाँ पे मैटर इंसर्ट किया है। मैटर इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया। देखो जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां से हमने किया सेंटेंस केस, तो देखो सभी सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल आ जाएगा।
लोअर केस, लोअर केस में क्या होगा, जो हमने मैटर सिलेक्ट किया है वो कंप्लीट क्या है, स्मॉल लेटर में ही आएगा, कैपिटल लेटर में नहीं आएगा, किसमें आएगा, स्मॉल लेटर में। और थर्ड ऑप्शन है अपर केस, अपर केस में क्या होगा, कंप्लीट मैटर कैपिटल लेटर में, मतलब बड़ी एबीसी में, कैप्स लॉक ऑन में, कैपिटल लेटर में क्या है शो हो जाएगा अपर केस में। कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या है कि स्पेस देने के बाद हम जो भी वर्ड टाइप करेंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, कैपिटल में ही शो होगा। जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटल में शो करने के लिए। इसके बाद है टुगल केस, टुगल केस में क्या होगा, जो वर्ड कैपिटल में होगा, जो कैपिटल में, देखो सभी का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में था ना, सभी वर्ड का, अब यहाँ पे देखो सभी वर्ड का स्मॉल फर्स्ट कैरेक्टर किस में आएगा, स्मॉल लेटर में, और बाकी सभी किस में आएंगे, कैपिटल लेटर में। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगाई है, टुगल केस। टुगल केस में क्या होगा, जो वर्ड कैपिटल होगा वो स्मॉल में शो हो जाएगा और जो जो स्मॉल होगा वो कैपिटल में शो हो जाएगा। दोबारा से हमें इसको चेंज करना है, यहीं से हम क्या है दोबारा से इसको चेंज कर सकते हैं, हमें तो दोबारा से सेंटेंस केस में ही चाहिए, तो यहां से हम सेंटेंस केस को सिलेक्ट करेंगे, सेंटेंस केस में आ जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है फॉन्ट कलर, यहां से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं कि फॉन्ट कलर आप कैसा लेना चाहते हो, वही क्या है सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे ये एरो दिखाई देगी, एरो पर हम क्लिक करेंगे तो जो फॉन्ट का ऑप्शन है वो कंप्लीट यहाँ पे शो हो जाएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस ले सकते हैं, फॉन्ट फेस कौन सा लेना चाहते हो यहीं से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, हमें तो एरियल का चाहिए तो एरियल का आ जाएगा। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल कितने होते हैं, चार होते हैं, कौन कौन से, रेगुलर, इटालिक, बोल्ड, बोल्ड इटालिक, इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। रेगुलर में क्या है, नॉर्मल मैटर आएगा, इटालिक में क्या है, इटालिक हो जाएगा, और बोल्ड में क्या है, मैटर बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड इटालिक इसमें क्या है, बोल्ड भी हो जाएगा और इटालिक भी। फॉन्ट साइज, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं कि फॉन्ट साइज हम कितना लेना चाहते हैं वही हम क्या है यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद है इफेक्ट, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू से क्या है, अभी मैंने आपको बताया भी था, सिंगल लाइन इंसर्ट हो जाएगी, डबल स्ट्राइक थ्रू से क्या होगा, डबल लाइन इंसर्ट हो जाएगी। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी वैल्यू के टॉप में पावर लगाने के लिए। अब देखो कितने परसेंट लगेगी, 30%, कैसे, हमने यहाँ पे टाइप किया है एक्स और टू, अब हमने क्या किया, सिर्फ टू को सिलेक्ट कर दिया, टाइप तो हमने यहाँ पे एक्स टू किया था और हमने सिलेक्ट क्या किया है, सिर्फ टू। एरो पर क्लिक करो, यहां से हमने किया सुपर स्क्रिप्ट, कितने परसेंट लग जाए, हमने डाल दिया 40% टॉप में पावर लग जाए, तो देखो 40% लग जाएगी। अब हमने क्या किया, दोबारा से टू को ही सिलेक्ट किया और यहां से हमने कर दिया सब स्क्रिप्ट बॉटम में, बॉटम में देखो कितने परसेंट है, -25, तो हमने माइनस यहाँ पे कर दिया 40, कि जो बॉटम में लगे वो भी किस में, कितने परसेंट पे हो, 40%। अब इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, सिर्फ टू को हमने सिलेक्ट किया, यहां से हमने इसको टिक हटा दिया, स्मॉल कैप्स, स्मॉल में आ जाए और कैप्स में आ जाए, स्मॉल कैप्स आ जाएंगे। इसके बाद ऑल कैप्स में आ जाए तो क्या है, ऑल कैप्स में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर हाइट, कैरेक्टर की हाइट के अनुसार आ जाए, तो देखो जो वर्ड की हाइट है, हाइट के अनुसार ही क्या है शो हो जाएंगे।
हटाना चाहते हो यहीं से हटा सकते हो। ओके वापिस क्या है, नॉर्मल वही शो हो जाएगी हमारी फॉर्मेटिंग। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब जो हमने आज टॉपिक किया है पावर पॉइंट में, उसके बारे में किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।